हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं जो बनाया हूँ जिराफ को लेकर और एक स्कूल पेंटिंग का है। और मैंने कौन कौन सा कलर इसमें यूज किया हूँ, कौन कौन सा ब्रश यूज किया हूँ और इस पेंटिंग को करने में मुझे कितना समय लगा, चलिए इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। जैसे कि हम जो भी पेंटिंग करते हैं उसका पहले आउटलाइन देते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने अभी आउटलाइन दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, दीवार पर वाइट कलर पहले से ही दे दिया गया था और बैकग्राउंड वाइट कलर ही है, और मैं ब्लैक फेविक्रिल के माध्यम से अभी मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। और ब्रश जो है हेयर ब्रश 5 नंबर का लॉन्ग हेयर, इसी में मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे आउटलाइन देने के बाद जिराफ जैसा दिखना चाहिए और जो कलर से खूबसूरत लगेगा वही कलर को मैं यूज करूँगा। देखिए, ऑलरेडी बहुत ही सिंपल सा पेंटिंग है और मैं आउटलाइन देने के बाद कलर को बस अपने हिसाब से पोताई करूंगा या फिर माउथ स्प्रे के माध्यम से मैं फूकूंगा। तो दोस्तों, ये जो जिराफ मैंने बनाया, ये जिराफ इसीलिए मैं उतना हाइट किया क्योंकि पहले से ही तो जिराफ बहुत ही हाइट होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस जिराफ पर बच्चे को उनके ऊंचाई मापेंगे, उसका एक मैं तरीका बनाऊंगा। तो पहले आप पेंटिंग देख लीजिए, देखिए ऑलरेडी रेडी हो गया है। उसके बाद चलिए हम अभी कलर को भरेंगे और कौन कौन सा कलर भरेंगे पहले चलिए देख। देखिए, यहाँ मैंने माउथ स्प्रे का यूज किया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर मैंने मेरे पेंटिंग पर माउथ स्प्रे को यूज करता हूँ, और इसमें यूज करने का तरीका यह है दोस्तों कि अगर हम यहीं पे माउथ स्प्रे यूज करेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा और 2-4 कलर का कॉम्बिनेशन हो पाएगा। अगर पोताई करके अगर करेंगे तो क्या होगा कि सिंपल जैसा लग जाएगा और देखने में उतना सुंदर नहीं लगेगा। आप देखते रहिए कैसा बहुत अच्छा दिखे। देखो, देखिए मैंने पहले ऑरेंज कलर को स्प्रे किया, उसके बाद देखिए येलो कलर को मैं स्प्रे कर रहा हूँ, और इसके बाद बहुत ही सुंदर हिसाब से उसका डिजाइन कर लूँगा ताकि वो बहुत अच्छा दिख सके। देखिए उसका अभी मैं जो बाल होता है बैक के ऊपर, उसी का भी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, वो भी कॉफी कलर टाइप का। और जो ये ब्रश है बस 10 नंबर का शॉर्ट हेयर है। Time.